साल यूपी बिहार, ये नारा था 2017 का। 17 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दूर दूर तक कोई भी बढ़त नहीं मिली, लेकिन अब यहाँ तक कड़ी पहुँच गई है कि कांग्रेस की महिला नेत्री, यानी कि सबसे लोकप्रिय नेत्री जो उभर के सामने आ रही हैं, वो हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब बूथ तक पहुँच चुकी है। उसका जो संगठन था, जो दूर दूर तक एकदम पनाह मांग रहा था, अब वह कमर कसने को तैयार है और लड़ने को भी आतुर है, और आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, आपकी नेता बहुत मेहनत कर रही है, ये दिख रहा है जमाने को। आप भी घूम रहे हैं, रात का हम समझते हैं कि 7:30 बज गया, 7:15, और अभी हमको लगता है कि आप जनसंपर्क जारी रखते हुए ये कारवा 10 के बाद तक का जाएगा। मेहनत तो कर रहे हैं, ये मेहनत रंग कर लाएगी निश्चित तौर पे। ये जितनी भी मेहनत की जा रही है वो जनता के लिए की जा रही है, क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी के जितने भी मुद्दे थे वो विकास के रास्ते पे जो लास्ट सीढ़ी पे आदमी खड़ा है उसके लिए, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे किसानों की समस्या हो, तो निश्चित तौर पे मतदाता बहुत जागरूक हो गया है और समझ रहा है, आज समझ रहा है और कल भी समझा था। अब निश्चित तौर पे जो भी प्रियंका ने लड़ाई लड़ी है, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सब लोग समझ रहे हैं। हम लोग तो आम जनता के बीच में आ जा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग उत्साह से लबरेज हैं। और हम लोग श्रीमान का परिचय हमने बताना मैं भूल गया, और मैं बता दूं कि श्रीमान किराकत के कांग्रेस प्रत्याशी हैं, राजेश गौतम जी। हम सवाल और जवाब का सिलसिला बरकरार रखते हुए एक बात पे और आना चाहेंगे कि अभी आप बात कर रहे थे कि जनता और मतदाता लोग मजाक समझने लगे, आखिर ऐसे में क्या लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार तार नहीं होती? अगर होती हैं तो वो दिन कब आएगा जब मतदाता की कीमत लोगों को समझ में आएगी? मतदाता की कीमत लोगों को वोट लेते समय सब समझ में आती है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे ये राजनीतिक दल के लोग। मैं आपको बता दूं, मैं राजेश गौतम, मैं इस किराकत विधानसभा का एकमात्र प्रत्याशी हूँ जो एक तरीके से भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा में, जिसका खुद का वोट है। और यदि खुद का वोट न होने के बाद भी लोग 1,00,000 वोट मत पा रहे हैं तो वो मतदाता को मजाक समझते हैं, निश्चित तौर पे वो लोग मजाक समझते हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग, हर व्यक्ति, और यदि खुद का वोट न होने के बाद भी लोग 1,00,000 वोट मत पा रहे हैं तो वो मतदाता को मजाक समझते हैं, निश्चित तौर पे वो लोग मजाक समझते हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग हर व्यक्ति को अपना व्यक्ति समझते हैं, इसलिए मतदाता का मजाक जिन लोगों ने बनाया है आज तक, और 32 साल से मतदाता जिस तरीके से छला जा रहा है, वो आने वाले समय में 7 मार्च को आप लोग वोट के माध्यम से जानकारी होगी, उसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस को जनादेश जाना। सर, अपने अपने जनसंपर्क में आप ये भी कह रहे हैं कि 2007 में बसपा आई तो 12 तक लोगों ने कहा अरे बुरी है हटा दो, हट गई वो। 12 में समाजवादी पार्टी आती है, फिर वही स्लोगन बुरी है हटा दो, फिर बीजेपी आती है, विकल्प तो जनता ढूंढ रही है, एक दूसरे के प्रति जो है पार्टियों को ट्रांसफर कर रही है अपना वोट, लेकिन कांग्रेस पे जनता की निगाह नहीं जा रही, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, और मैं समझता हूँ कि विश्व के कई हिस्सों में ये कांग्रेस नाम का जो संगठन है वो इंडियन कांग्रेस नहीं, विश्व के कई राष्ट्र नेतृत्व कर रहा होता है। जी, कांग्रेस कहा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आखिरकार जब सपा बसपा बुरी होती है तो सपा आती है, सपा बुरी होती है तो भाजपा आ जाती है, और जब भाजपा बुरी होने की कागार पे आती है आप लोगों के मुताबिक, तो कांग्रेस पे निगाह लोगों की क्यों नहीं जाती? देखिए, हम लोग बुरे और भले की बात नहीं करते, क्योंकि जो भी यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश में 32 साल, उसके लिए किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किसी के पास जाति का मुद्दा है, किसी के पास धर्म का मुद्दा है, किसी के पास संप्रदाय का मुद्दा है। मैं एक छोटा सा यदि कोई कह दे कि मैं बसपा का मतदाता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसकी जाति लोग जान जाते हैं, कोई कह दे मैं सपा का मतदाता हूँ ऑटोमेटिकली उसकी जाति जान जाती है।
कोई कहे मैं भाजपा का मतदाता हूँ, लोग ऑटोमेटिकली उसकी जाति हैं। लेकिन यदि कोई कहे मैं कांग्रेस का मतदाता हूँ तो उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होनी चाहिए। और यही हमारे देश की खूबसूरती है, जातियों का देश है, धर्मों का देश है, सबके मिलने जुलने का देश है, आपसी भाईचारे का देश है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कौन बुरा है कौन बुरा है, जितनी पार्टियां आती हैं मुद्दे कुछ और पता नहीं, काम कुछ और। किसी के पास रोजगार के मुद्दे नहीं है, किसी के पास लिखित नहीं। हमारे तो यहाँ प्रतिज्ञाएं बहन प्रियंका ने दी हुई, 8 प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, उसमें पहली प्रतिज्ञा है और ये वचन निभाएंगे, हम लिख करके दिया उन्होंने। और मैं आपको बता दूँ 403 विधानसभाओं में 40% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी और लिखित जो उन्होंने दिया है वो करके दिखा, और 40% महिलाएं हमारे दल से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।